कि हर वर्ष की तरह इस बार भी हम सब लोग खजांची के जन्मदिन पर शामिल हो रहे हैं, उसको बधाई देने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। खजांची जितना बड़ा होता जा रहा है, नोटबंदी की नाकामी उतनी ही हम लोगों को दिखाई देने लगी है। और सच्चाई तो यह है कि नोटबंदी दुनिया के आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के रूप में उभर कर गया है। कि नोटबंदी के समय पर जो उन्होंने लक्ष्य रखे थे, वो एक भी लक्ष्य पूरा सरकार का नहीं हुआ है। नोटबंदी केवल दिखावटी उनका और दिखावटी बनकर के रह गई है। नोटबंदी का असर स्लो पॉइजन जैसा था। पिछले 8 साल में इसने किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा, पेशेवर लोग और छोटे दुकानदार, व्यापारी, रेडी, पटरी, फेरी वाले सबको अपना शिकार बनाया और कोई वर्ग नहीं छूटा होगा। जिस वर्ग को नोटबंदी की वजह से छत न पहुंची हो, नोटबंदी न केवल नोटबंदी रह गई थी, बल्कि नोटबंदी के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के अन्य फैसले भी लिए गए, जैसे जीएसटी हाउस से भी बड़े पैमाने पे कारोबारियों का नुकसान पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हालांकि यह जन्मदिन हम लोगों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मनाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग न केवल तारीख भूल जाते हैं, बल्कि ये भी भूल जाते हैं कि कोई खजांची भी है। ये खजांची का जन्मदिन इसीलिए हम लोग मनाते हैं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी को याद आए कि उन्हीं की वजह से खजांची बैंक में पैदा हुआ था और आज का नाम खजांची के नाम से ही हम सब लोग जानते हैं। कम से कम उस बैंक को, मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूं, उस बैंक को कम से कम इसकी पढ़ाई का ख्याल रखना चाहिए था। अगर बैंक ख्याल नहीं रख पा रही थी तो भारतीय जनता पार्टी को किसी न किसी योजना में शामिल कर करके कम से कम बच्चे के भविष्य की चिंता करनी चाहिए थी। न उन्हें भविष्य की चिंता कर रहे हैं, न पढ़ाई की चिंता कर रहे हैं। अगर कोई उस बच्चे के भविष्य के बारे में चिंता कर रहा है तो केवल हम सब समाजवादी लोग, उसके अलावा कोई नहीं। जो एनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जो एनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब वो सरकार में उतने दिन नहीं रहेंगे जितने वो सरकार में रह चुके हैं। इसी वजह से आप देखते होंगे उनकी भाषा बदल गई है, उनको सोचने समझने का तरीका भी बदल गया है। और सच्चाई तो यह है कि मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। जिन्होंने खुद के ऊपर सच्चे मुकदमे हटवाए हों और दूसरों के ऊपर झूठे मुकदमे लगवाए हों, वो जितना कम बोलेंगे उतना ही उनकी सच्चाई छुपी रहेगी। जो अपने से बड़ा किसी और को नहीं समझते हैं वो कैसे योगी हैं। संतों में भी झगड़ा कराने का काम अगर कोई कर रहा है तो सरकार के लोग मिलकर के करवा रहे हैं। हमारे यहां कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है, ये हमारी परंपरा रही है जो हम लोगों ने सीखी और समझी है और जानी है, कि हमारे यहां कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है, और जब बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए, इसलिए उसके वचन प्रवचन कहलाते हैं। यहां तो सब उल्टा ही है, इनकी योग्यता की परीक्षा करवानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह के भाषा इस्तेमाल हो रही है उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि
कि उनकी योग्यता के बारे में भी हमें और आपको जानना चाहिए। मुनि की परंपरा साधु संतों में या मौनी की परंपरा, और कलयुग है इसलिए सब उल्टा हो रहा है। मितभाषी वाचाल बन गए हैं आजकल, वो मितभाषी नहीं बन रहे हैं, उनका सुनिए क्या कह रहे हैं आजकल। मृदभाषी कटुभाषी बन गए हैं, सत्य वचनी झूठे प्रचारक बन गए हैं, अभय निवारण करने वाले भय का प्रसारण कर रहे हैं, परोपकारी लोग अत्याचारी का काम कर रहे हैं, जिनका काम सरकार चलाना है वो बुलडोजर चला रहे हैं, और विकास का प्रतीक विनाश का प्रतीक बन गया है। और अभी अभी सुना होगा हमने और आपने कि किसी भी सरकार को इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा होगा जिस तरीके से इस सरकार को कहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा ये पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार पर 25 लाख का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। अगर कहीं ऐसा हुआ हो तो बताइए, जहां सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना सरकार पर लगाया हो और जजों ने कहा यह सरकार बहुत अहंकारी है, ऐसा लगता है कि यूपी में कानून का राज समाप्त हो गया है, उत्तर प्रदेश में शक्ति और सत्ता का अनुचित दुरुपयोग हो रहा है। ये बात याद होगा आपको, जब भी सरकार के खिलाफ हम लोगों ने कहा होगा तो इन बातों को हमेशा रखा कि सरकार अहंकार में संविधान भी भूल गई है और बुलडोजर प्रतीक नहीं हो सकता है, लेकिन सरकार बुलडोजर से चला रही थी और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा ये बहुत मनमानी है कि आप बुलडोजर लेकर नहीं आ सकते और रात और रात घर नहीं तोड़ सकते हैं, आप परिवार को घर खाली करने का समय नहीं देते हैं, घरेलू सामानों का क्या उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था, वहीं पूरी तरह जंगल राज और अराजकता है। सोचिए सुप्रीम कोर्ट में ये टिप्पणी होती हो, क्या बुलडोजर लेकर के जाते हैं लेकिन घर परिवार के लोगों को अपना सामान निकालने का भी मौका नहीं देते हैं, जो घर की गृहस्थी है उसको भी निकालने का मौका नहीं देते, समय नोटिस मिलना चाहिए नोटिस नहीं देते हैं आप, और उसकी वजह से सरकार को ये अपमान झेलना पड़ रहा है। और ये पहली बार जुर्माना ही नहीं बल्कि कोर्ट ने यह कहा है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो जिन्होंने इस तरह का काम किया है, और वो भी कहां, मुख्यमंत्री जी के घर के बिल्कुल बगल में ये उस पर इस तरह का सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है। जो सरकार दूसरों के लिए न्याय का उदाहरण बननी चाहिए वो अन्याय कर रही है, इसलिए आए दिन उसे न्यायपालिका से डांट पड़ रही है, जुर्माना तक लग रहा है। पुलिस छापे मारती थी, अब पुलिस पर छापे पड़ रहे हैं। पुलिस छापे मारती थी, अब पुलिस पर छापे पड़ रहे हैं। और जहां बहुत कुछ मिल रहा है उसके बारे में कहा जाता है कुछ है ही नहीं वहां पर, कुछ निकला ही नहीं वहां पर, कुछ था ही नहीं वहां पर। जिसका काम भेदभाव मिटाना है वो भेदभाव बढ़ा रहे हैं। जो लोग महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बहुत हुई फलाने की मार, अब की बार डैश डैश, आप जानते होंगे किसकी सरकार, जैसे नारे लगाते हुए आए, वो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा के बारे में सारे रिपोर्ट तोड़ चुके हैं। अगर हम इनकी तुलना करें जिस समय ये सरकार में आए और सरकार के आज के आंकड़े अगर हम देखें तो हर मानक में, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, और चाहे महिला सुरक्षा के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। न केवल रिकॉर्ड तोड़े हैं बल्कि महिला सुरक्षा को लेकर के, उन्हें न्याय को लेकर के, इतना महिलाएं या बेटियां कभी मुख्यमंत्री आवास में आत्मदाह करने नहीं आई जितनी इस सरकार में आई है।
लोगों को न्याय नहीं मिलता, तहसीलों में जान दिए उन्होंने, अधिकारियों के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की है। और सोचिए मुख्यमंत्री कार्यालय के बगल में कितने ऊंचे खंभे पर केवल न्याय मिल जाए, उसकी बात सुन ले, उसलिए गरीब को कहां कहां नहीं जाना पड़ रहा है। जिन्हें संविधान के हिसाब से चलना चाहिए वो मन विधान के हिसाब से चल रहे हैं। और जो नारा कभी अंग्रेजों ने लगाया था, अंग्रेजों के जो विचार थे, अंग्रेज तो भारत छोड़ के चले गए, लेकिन अंग्रेज अपने विचार वंशी लोगों को यहीं पर छोड़ गए। जो विचार अंग्रेजों के थे वही विचार इस सरकार के हैं। दिल्ली और लखनऊ सहयोग से चलने चाहिए, यहां तो विरोध से चल रहे हैं, क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े झूठे नहीं हुए हैं। अगर मुख्यमंत्री जी ये बात बोल रहे हैं उसका आधार क्या है? कोई आधार तो होगा, कोई आंकड़े तो होंगे। इसीलिए जो अपने सच्चे मुकदमे वापस लेते हो उनसे क्या उम्मीद करोगे? मुझे उम्मीद है कि जो 50वें पायदान से जो सबसे ऊंचे बैठ गए हैं, जो 48 पायदान पे अधिकारी हैं, उनसे जाकर के चर्चा कर लो इस बारे में। और जिनके पास कार्यकारी हो, सब कार्यकारी ही हो, उनसे क्या उम्मीद करोगे? उनसे क्या संभलेगा? मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूं आपसे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता है। अब वो अधिकारियों के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अधिकारी भी जानते हैं कि जनता उनके साथ नहीं है, बीजेपी के साथ। कम से कम सरकार को झूठ नहीं बोलना चाहिए। पूरे प्रदेश में किसान इसी तरह कतार में खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है कब कब उसे डीएपी खाद मिलेगी। और ये आज से नहीं चल रहा है, जब से किसान को नई फसल तैयारी के लिए तैयारी करनी थी तब से किसान लाइन में लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में आज हम जब यहां मौके पर बातचीत कर रहे हैं, कोई ऐसी जगह उत्तर प्रदेश में नहीं होगी जहां पर लाइन न लगी हो या रात भर किसान न बैठा रहा हो। यह सरकार अपनी नाकामी छिपाना चाहती है, नकारात्मक है, नेगेटिविटी है इसके अंदर, नेगेटिव लोग हैं जो सच भी स्वीकार नहीं कर रहे, सामने जो हो रहा वो भी नहीं स्वीकार कर रहे। सोचिए कहां पर खाद मिल रही है। और दुख तो तब है, आपके लाइव चैनल भी वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। कम से कम आप थोड़ा बहुत इधर उधर सोच सकते हो, लेकिन आपका कैमरा कभी झूठ नहीं बोलेगा। केवल लाइव कैमरा कर दो, आपको सब उत्तर प्रदेश की लाइनें दिखाई दे जाएंगी कि खाद की लाइनें कितनी लंबी लगी हुई है। आप कुछ मत बोलना, केवल अपना कैमरा लाइव कर देना। पूरा देश प्रदेश और जो लोग ये कह रहे हैं कि खाद की कहीं किल्लत नहीं है वो जान जाएंगे। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।